नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल काशी रसोई पे। और आज मैं आपके लिए रेसिपी ले आई हूँ वेज पुलाव की। एकदम बिरयानी जैसा आपको मिलेगा होटल स्टाइल, और देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है रंग बिरंगा। तो अगर आपको रेसिपी देखनी है तो हम हमारे वीडियो को, तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च है, एक दो मैंने मिर्चें काट ली हैं। थोड़ी सी गाजर है जो मैंने मोटी मोटी काटी हैं। बीन्स ये आप देख सकते हैं मैंने लंबी लंबी काटी है, मैंने जानबूझ के लंबी लंबी काटी है क्योंकि बहुत बढ़िया लगती है। फिर थोड़ी सी मैंने प्याज ली है, उसके बाद आलू ले लिए कटे हुए। एक और मैंने कुछ और वेजिटेबल्स लिए हैं, ये मेरे गोभी हैं जिनको मैंने स्मॉल साइज में काट लिया है। फिर यहाँ पे मेरे पास कैप्सिकम है, थोड़ी सी मैंने मटर ली है, और अदरक लहसुन का मैंने ऐसे ही छोटा सा पेस्ट बना दिया है होम मेड। और यहाँ पे थोड़े से मैंने खड़े मसाले लिए हैं, ये देख सकते हैं तेज पत्ता है, अंदर छोटी इलायची। तो ये सब चीज़ें जो आपको रेडीमेड आजकल मिल जाता है खड़े मसाले का पैकेट, तो ये आप इसमें ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है अपने सोयाबीन है उनको अच्छे से पानी में सोक कर रखा है, तो इसको काफ़ी देर आपको अच्छे से गुनगुने पानी में सोक करके रखना है जिससे ये नरम हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे ये थोड़े से जो चावल हैं इनको अच्छे से भिगो लिया है। इसको आपको 3-4 वॉश अच्छे से देनी है जिससे जो इसका स्टार्च है पूरा निकल जाए, और इसको करीब 15-20 मिनट तक आपको भिगो के रखना है। चलिए अब मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें ऐड करिएगा घी। तो हमने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है, और अपने हिसाब से आप घी ऐड करिए, और थोड़ा सा लेकिन मैं इसमें ऑयल भी ऐड कर देती हूँ। तो जैसे ही अपना घी गर्म हो, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। फिर इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा जीरा, तो ये जीरा मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड सीड्स डालूंगी, सरसों आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं बट अगर ये डालेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद जितने भी आपके खड़े मसाले हैं वो मैं डाल देती हूँ, तेज पत्ता और जितने भी देख सकते हैं मैंने आपको दिखाए थे खड़े मसाले, ये सारे मैं इसमें डाल देती हूँ। इससे जो है बहुत अच्छी खुशबू आएगी और अरोमा आएगा आपके पुलाव में, एकदम बिरयानी जैसा लगेगा आपको ये। तो इसको थोड़ी देर हमें आंच पे ऐसे पकाना है, और जैसे इसमें तो ये मैंने जो अपनी दो मिर्ची काटी थी उनको डाल लिया है। और फिर इसमें मैं ऐड करूंगी अनियन, और फिर जैसे ही आप अनियन डाल दें इसको अच्छे से सॉटे करिए। ज़्यादा नहीं पकाना होता हमें इसमें, कुकर में तो बहुत जल्दी बन जाती है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। तो इसको मैं अच्छे से सॉटे कर लेती हूँ। तो जैसे ही हल्के से आपके प्याज भुन जाएं, इसमें हम जितनी भी हमने वेजिटेबल्स काटी हैं वो सारी ऐड कर दीजिए बढ़िया तरीके से। तो ये मैंने अपनी सारी वेजीज ऐड कर दी हैं इसमें। जो मैंने अदरक लहसुन है उसको मैंने पेस्ट बनाया था होममेड पेस्ट, वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको दीजिए एक बहुत बढ़िया सा मिक्स। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, देख सकते हैं कितना सुंदर कलर हमारे वेजिटेबल्स के यहाँ पे लग रहे हैं। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, और ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया होता है, और स्वाद में उतना ही लजीज होता है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसको करीब मैं 2 मिनट अभी ऐसे भूनूंगी, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाए हमारे मसालों को और घी का। तो इसको हम करीब ऐसे 1-2 मिनट पकाएंगे। तो करीब 2 मिनट मैंने इसे अच्छे से पका लिया, और देख सकते हैं कि इसका रंग कितना बढ़िया लग रहा है, हमारे सारे वेजिटेबल्स एकदम फ्रेश लग रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे वो ऐड करूँगी जो मैंने सोयाबीन को भिगोया था। तो छोटी वाली भी आती हैं, बड़ी वाली भी होती हैं, जो आपको पसंद हो आप उसको डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसमें सोयाबीन ऐड कर दिया, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ एक बार। हमें इनको इसमें ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो अब मैं इसमें जो मेरे राइस थे वो मैं डालूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा राइस है मैंने राइस को डाल दिया, और एक बार मैं इसको वेजीज के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और आप देखिए वेजीज में कितना बढ़िया रंग दिख रहा है आपको इसके अंदर। तो इसमें हम करीब इतना पानी डालेंगे कि जितना बस हमारे राइस जो है वो कवर हो जाए। तो आप पानी ध्यान से डालिएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं इसमें बस थोड़ा सा इतना पानी डालूंगी कि हमारे चावल जो है वो कवर हो जाए। इसको हमें ज़्यादा वो नहीं करना, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, वरना हमारे जो चावल हैं वो चिपचिपे बनेंगे, खिले खिले नहीं बनेंगे।
अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तो सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा करीब 1-2 बड़े चम्मच सॉल्ट डाल दिया है, और हल्के से बस कलर के लिए देगी मिर्च डाल देते हैं। इसके अलावा हम और कोई मसाले नहीं डालेंगे, और ऊपर से थोड़ा और टच के लिए इसमें देसी घी। तो देसी घी इसका मेन सीक्रेट है, जिससे बहुत बढ़िया आपका स्वाद आएगा, खुशबू आएगी और टेस्ट आएगा। तो ये मेरे जितने भी सब चीज़ें हैं इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से नमक के साथ, और अब मैं इसको प्रेशर कुकर में रखूँगी। तो यहाँ पे अब हम इसको ऐसे लीड लगा देते हैं, और करीब 2-3 सीटी तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे, और आँच को मीडियम पे रख दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको करीब इसकी 2-3 सीटी लगानी है अच्छे से, और फिर कुकर को एकदम ठंडा कर लेना। तो यहाँ पे जो मेरे पुलाव है वो रेडी हो गए हैं, ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। और एक फोक लेना है आपको, और ऐसे ऐसे आपको इनके जो चावल हैं इसके दाने अलग करने हैं। तो देख सकते हैं कितने खिले खिले बढ़िया दाने बन हैं इसके, और इसको हल्का सा आप इसे खोल के ठंडा करेंगे तब आप इसको अच्छे से सर्व करिए। गर्मा गर्म चटनी के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, या कोई भी सब्जी आप इसके साथ खा सकते हैं। देख सकते हैं गाजर का रंग इसमें दिख रहा है, हमारे सोयाबीन है वो पक गई है, बीन्स के रंग सब एकदम खिल के आ रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।